हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक पेपर की जरूरत है और आप सबसे पहले पेपर को हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे इस तरीके से। लेट्स ओपन इट। फिर आपको अपने पेपर को वर्टिकली फोल्ड करना है। तो दो साइड से फोल्ड होने के बाद आपका पेपर पर ऐसी क्रीज कुछ आपको नजर आएंगी। देन स्केल की हेल्प से एंड पेंसिल की हेल्प से इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। पूरे पेपर पर लाइंस लगाने के बाद आपका पेपर कुछ इस तरह दिखाई देगा। देन आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, इंग्लिश एंड हिंदी। देन उसके बाद आप किसी 5 बच्चों के नेम लिख लीजिए, 5 स्टूडेंट्स के नेम लिख लीजिए एंड सीरियल नंबर के नीचे हम सीरियल नंबर लिखेंगे और नेम के नीचे हम नेम लिखेंगे। अभी मैंने 5 नेम्स लिख लिए हैं और उनकी क्लास, उनके सब्जेक्ट के मार्क्स फिल कर लिए। तो आज हम इस ये टेबल मैंने आपसे ड्रॉ करवाया है इसलिए क्योंकि हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से होता है, जिसमें होती हैं रोज एंड जिसमें होते हैं कॉलम्स। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आवर डेटाबेस इज रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या होता है? यहाँ पर नेम है दिया, तो दिया के रिलेटेड, दिया कौन सी क्लास में है? 8th क्लास में है। उसकी कितने मार्क्स है? 45, और हिंदी में कितने है? 35। तो दिया के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ओनली दिया के रिलेटेड है। तो एक पर्सन के रिलेटेड, पर्टिकुलर पर्सन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। दिया के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है और वो पर्टिकुलर पर्सन के रिलेटेड, सिंगल पर्टिकुलर पर्सन के रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन होती है तो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। अभी 8th क्लास, 45, 35 दिया, ओके? ये है डिस्टिंक्ट सिंगल वैल्यूज। जब ये सिंगल वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डेटा। लाइक अनदर एग्जाम्पल, 6th क्लास, 48, ये भी सारे क्या हैं? डेटा। और 6th क्लास, 48, 56 किसके मार्क्स हैं? जिया के। तो जिया के रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन होगी एक पर्टिकुलर पर्सन के रिलेटेड तो उसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड। ओके, एक नेक्स्ट एलिमेंट है फील्ड। एज यू कैन सी, फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बोला था सीरियल नंबर लिख लीजिए, नेम लिख लीजिए, क्लास, इंग्लिश, हिंदी। तो ये सारे क्या हैं? फील्ड्स। क्योंकि हमने देखिए नेम वाले कॉलम में सिर्फ नेम्स लिखे हैं, क्लास वाले में सिर्फ क्लास लिखी है, तो
जिस बेसिस पे हमारा डेटाबेस फिल होता है उसको बोलते हैं फील्ड्स। सीरियल नंबर, नेम, क्लास, इंग्लिश, हिंदी, ये फील्ड नेम्स हैं। और जब हमने इनमें वैल्यूज पुट कर दी तो ये हमारा डाटा बन चुका है। और जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड।